तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजना यानी इम्पोर्टेंट डैम्स एंड रिवर्सर इन इंडिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यह एक रिविजन वीडियो होगा जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बांध एवं नदी परियोजना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा भागीरथी नदी पर है जो कि उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेंगे क्योंकि इसके बाद की जो परियोजनाएं होगी या इसके बाद के जो बांध होंगे वो वन लाइनर होंगे जो मैं आपको एक बारी दिखा देना चाहता हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे बारी बारी से क्योंकि आपके आने वाले समय में जो एग्जाम्स है उसमें इस टॉपिक के ऊपर आपको एक से दो सवाल बनते हैं। तो देखते हैं टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पर है और यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। कहां पर है ये? टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना हुआ है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 यानी 261 मीटर है जो इसे विश्व का पांचवा सबसे ऊंचा बांध बनाती है। काफी इंपोर्टेंट ये होगा क्योंकि टिहरी बांध के ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध है। यह भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। टिहरी बांध दुनिया का आठवां सबसे बड़ा बांध है जिसका उपयोग सिंचाई तथा बिजली पैदा करने हेतु किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन होगा और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टिहरी बांध परियोजना जो कि उत्तराखंड राज्य में है और भागीरथी नदी पर बना हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट कुछ भारत के बांध एवं नदी परियोजना। तो नेक्स्ट हमारा जो बांध है वह है बाणसागर परियोजना जो कि सोन नदी पर बना हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में है। काफी इंपोर्टेंट होगा, मध्य प्रदेश में है बाणसागर परियोजना। नेक्स्ट है गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है गंगा सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में है। तो आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो बाणसागर परियोजना गंगा सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश इस राज्य में है। सोन नदी भी मध्य प्रदेश से बहती है और चंबल नदी भी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना जो है यह भी चंबल नदी पर बना हुआ है जो कि राजस्थान इस स्टेट में है। जवाहर सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर है जो कि राजस्थान में है। इडुक्की परियोजना, यह क्वेश्चन काफी बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर बना हुआ है जो कि केरल इस राज्य में है। एक बार मैं दोहरा देता हूं, इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर बना हुआ है और केरल इस राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है और यह गुजरात राज्य में आती है। उकाई परियोजना, उकाई परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर है और यह भी गुजरात इस राज्य में आती है। ठीक है, ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना और ताप्ती नदी पर ही है काकड़ापारा परियोजना जो कि अगेन गुजरात इस स्टेट में आती है। तो गुजरात 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 यहां पे देख पा रहे होंगे आप। सरदार सरोवर परियोजना, उकाई परियोजना तथा काकड़ापारा परियोजना जो है यह गुजरात इस स्टेट में आती है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट होगा, आपको एक बार ध्यान से वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को साझा कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना जो है यह सतलुज नदी पर बना हुआ है जो कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सतलुज नदी पर बना हुआ है कोल डैम परियोजना, काफी इंपोर्टेंट है, जो कि हिमाचल प्रदेश इस स्टेट में आएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना, आपने काफी बार एग्जामिनेशन में देखे होंगे भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ है और यह भी हिमाचल प्रदेश इस राज्य में स्थित है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना जो है यह सतलज नदी पर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, अगेन यह आता है। नेक्स्ट है जायकवाड़ी परियोजना, काफी इंपॉर्टेंट है। जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी जो कि जायकवाड़ी परियोजना भी जो है गोदावरी नदी पर स्थित एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जायकवाड़ी परियोजना। नेक्स्ट है नागपुर शक्ति गृह परियोजना यानी नागपुर पावर स्टेशन प्रोजेक्ट जो है यह कोराडी नदी पर बना हुआ है और यह है महाराष्ट्र में। काफी इंपोर्टेंट यह नागपुर पावर स्टेशन प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट है तिलैया परियोजना, यानी तिलैया प्रोजेक्ट जो है ये बराकर नदी पर बना हुआ है जो कि झारखंड इस राज्य में आता है। पंचेत बांध, पंचेत बांध जो है यह दामोदर नदी पर है तथा यह झारखंड इस राज्य में आता है। ठीक है, काफी ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है, देखना है। पंचेत बांध जो है यह दामोदर नदी पर बना हुआ है तथा झारखंड इस राज्य में आता है। सतलज परियोजना, सतलज परियोजना के ऊपर आपको काफी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिला होगा, चाहे वो ऑप्शन में हो या फिर क्वेश्चन में हो। तो सतलज परियोजना यानी सतलज प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्वेश्चन बनते हैं कि सतलज परियोजना किस नदी पर बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना, यानी तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पर बने हुआ एक प्रोजेक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है रंजीत सागर बांध परियोजना, रंजीत सागर बांध परियोजना जो है यह रावी नदी पर स्थित है तथा जम्मू कश्मीर में यह आता है। ठीक है, रावी नदी पर जम्मू कश्मीर में यह आता है। दूलहस्ती परियोजना, दूलहस्ती परियोजना जो है यह चिनाब नदी में स्थित है तथा जम्मू कश्मीर में यह आता है, अगेन दूलहस्ती परियोजना। नेक्स्ट है दुर्गापुर बैराज परियोजना, काफी इंपॉर्टेंट यह होगा, दुर्गापुर बैराज परियोजना जो कि दामोदर नदी पर बना हुआ है यह पश्चिम बंगाल में आता है। दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पर, अगेन पश्चिम बंगाल में आता है। फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना जो गंगा नदी पर स्थित एक प्रोजेक्ट है जो कि आएगा पश्चिम बंगाल इस राज्य में। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित एक प्रोजेक्ट है तथा यह आंध्र प्रदेश इस स्टेट में आता है। नेक्स्ट है भीमा परियोजना, भीमा परियोजना जो है यह पवना नदी पर आता है तथा यह तेलंगाना में अभी आएगा। ठीक है, तेलंगाना पर स्थित है भीमा परियोजना। यह वो प्रोजेक्ट्स है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या फिर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे आपके कि यह प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है या फिर किस राज्य से संबंधित है। तो काफी गौर से आपको वीडियो को देखना और सुनना है। ठीक है, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना जो है यह बेतवा नदी पर है जो कि उत्तर प्रदेश में आएगा, माता टीला परियोजना। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना जो है यह चंबल नदी पर बना हुआ है तथा यह राजस्थान इस राज्य से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीराकुंड परियोजना जो कि काफी बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ हुआ है। तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है यह महानदी पर बना हुआ है जो कि ओडिशा इस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हारंगी परियोजना, हारंगी परियोजना जो है यह हारंगी नदी पर है जो कि कर्नाटक इस राज्य में है। भादरा बांध परियोजना, भादरा बांध परियोजना जो है यह भादरा नदी पर बना हुआ है तथा यह भी अगेन कर्नाटक इस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना जो है यह घाट प्रभा परियोजना के नाम से जाना जाता है जो कि अगेन कर्नाटक इस राज्य में स्थित है। पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना जो है यह महानदी पर बना हुआ है तथा कर्नाटक इस राज्य में स्थित है। तो यही था गाइस एक वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस किए हैं भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजना यानी इंपॉर्टेंट डैम्स एंड रिजर्वेयर्स इन इंडिया जो कि एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस बनते हैं, एक से दो नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो हो रेलवे की एग्जामिनेशन या फिर बैंकिंग की एग्जामिनेशन या फिर स्टाफ सिलेक्शन की एग्जामिनेशन। तो सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में आपको बांध से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर आपको एंड तक वीडियो देखना होगा, अगर एंड तक आपने वीडियो देख लिए हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर करके हमारा हौसला और भी बढ़ाइए। और आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आने वाले समय में वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बिना शुल्क। थैंक यू वेरी मच।